हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम हुंजा। आज जो है वो सुबह तो लेट हुई है ऑलमोस्ट, एंड आज थोड़ा इलेक्ट्रिशन और इलेक्ट्रिक वर्क का काम है। गार्डन की जो है ना वो लाइट्स वगैरह लेकर आनी है। मौसम की अपडेट ये है, मौसम आज बहुत ज़बरदस्त धूप निकली हुई। अभी मैं थोड़ी देर नहा के तकरीबन आधा घंटा घंटा जो है ना वो गार्डन में बैठा था, ज़रा धूप सेकने के लिए। बड़ी बेहतरीन धूप थी। 12:30 अराउंड हो चुके हूँ। मैं अभी मार्केट की तरफ निकलने लगा हूँ। मैं और जीशान कुछ गैस गीज़र के काम है और कुछ जो है वो बिजली के काम है, बल्ब वगैरह और तारे वगैरह लानी है, तो वो ला के तो इंशाल्लाह जो है वो आज वो फिटिंग करेंगे। मेरा कोई भी यहाँ से वो नहीं मिल रहा कोई ढंग का इलेक्ट्रिक्स। जो मुझे कुछ लैंप्स वगैरह चाहिए हैं, कुछ पार्किंग के लिए लाइट्स चाहिए हैं, बल्ब और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाहिए, बट यहाँ से जो है ना वो जो मिल रहा है ना वो सारे ज़रा ओल्ड मॉडल की चीज़ें मिल रही हैं और मिल भी महंगी रही हैं। एक तो अपनी पसंद की चीज़ नहीं मिल रही और दूसरा महंगी मिल रही है। तो मैंने फिर कुछ चीज़ें पेंडिंग थी, कुछ नर्सरी का सामान, गार्डन का सामान लेकर आना था, कुछ इलेक्ट्रिक का, कुछ प्लम्बिंग का और कुछ जो है वो गार्डन का। तो मैंने कहा इस पर एक ही दफ़ा जो है ना वो गिलगित जाता हूँ, गिलगित से जाके ले। गिलगित चूँकि वो बड़ी मार्केट है तो वहाँ से ज़रा चीज़ें ईजीली मिल जाती हैं अच्छी वाली, अपडेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। बस अभी निकला हूँ गिलगित के लिए और वहाँ से जाके पहले अब 2:30 बज चुके हुए हैं तकरीबन, 3:30 साढ़े 4 हो जाएंगे, पीछे टाइम पीछे रह जाएगा 5:30 साढ़े 5, 1.5 2 घंटे रह जाएंगे बस शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए, फिर सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो कोशिश यही करता हूँ कि जाते ही पहले ये चीज़ें ढूंढ लूँ। तो जी फिर ले के तो रात में इंशाल्लाह वापस आऊँगा, देखते हैं क्या बनता है। आप जो है वो मेरे साथ ज़रा हुंजा से लेकर गिलगित तक का सफ़र एंजॉय करें और रास्ते से हम गुजरेंगे नगर वैली से और फिर गिलगित डिस्ट्रिक्ट आएगा। नगर डिस्ट्रिक्ट हुंजा, हुंजा के बाद नगर डिस्ट्रिक्ट, फिर नगर के बाद गिलगित डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है। तो टाइम कोई 100 किलोमीटर का ये ट्रैवल है और टाइम लग जाता है 1 घंटा 50 मिनट एग्जैक्ट लगते हैं। और न,
नगर जो है ना अभी फिलहाल बड़ा खूबसूरत होगा बीच में, क्योंकि नगर में ब्लॉसम अच्छा है इस टाइम, नीचे है ना उसका एल्टीट्यूड कम है नगर का, तो इस वजह से उसका ब्लॉसम, उसमें कलर्स अच्छे आए हुए होंगे फूलों के, तो ज़रा जो है वो आप इंजॉय कर लीजिएगा रास्ते में, मैं तब तक गाड़ी चला लेता हूँ। ये चले जी एग्ज़िट हो गए हम हंजा अलीबाद से, हंजा से तो एग्ज़िट नहीं हुए, हंजा चूँकि अभी नीचे आएगा मुर्तज़ाबाद आएगा, फिर नासिराबाद आएगा, फिर हंजा ख़त्म होता है। अभी हम एग्ज़िट हो गए हैं अलीबाद, मतलब सेंटर हंजा से हम एग्ज़िट हो गए, हम लोअर हंजा की तरफ मूव कर रहे हैं कराकुलम हाईवे से। और आगे आगे देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। तो ये आ गया जी मुर्तज़ाबाद, जो कि अलीबाद से पहले, ये भी हंजा का ही पार्ट है, गांव है एक ना, और ये भी बहुत खूबसूरत गांव है, इसमें भी जो है ना वो अच्छे खासे कलर आ चुके हैं। वैसे कलर तो अब जो है वो हंजा में ऊपर भी आ चुके हुए हैं ना, ये देखें ये लेफ़्ट साइड पे कैसा ज़बरदस्त किस्म का पिंक कलर का पूरा ट्री था। सामने ऊपर जो आपको वैली नज़र आ रही है वो है नगर डिस्ट्रिक्ट में ना एरिया, बीच में जो है ना वो हंजा रिवर या खुंजराब रिवर, जो दोनों एक ही रिवर के नाम है, खुंजराब एंड हंजा, तो वो जा रहा है। और कराकुरम हाईवे जो है वो हंजा वाली साइड पे थी, अब वो सामने अगर आप देख सकते हैं तो एक छोटा सा ब्रिज नज़र आ रहा है, आगे जाके आपको शायद नज़र आएगा ठीक से, तो वो ब्रिज जो है क्रॉस करेंगे तो हम हंजा से एग्ज़िट हो जाएंगे और नगर डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो जाएंगे। ये ले जी खुदा हाफिज़ ज़िला हंजा, गुड बाय हंजा। और ये पौधे वौधे लगा दिए हैं इन्होंने भी, हम पौधे लेने के लिए जा रहे हैं अभी गिलगित। पिछले जो 3-4 दिन बारिशें हुई है ना यहाँ पे, कुछ स्लाइडिंग हुई है सही वाली, मैं तो खैर इस तरफ आया ही नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी मशीनें वगैरह खड़ी हुई हैं। ये आ गया जी अब हम नगर डिस्ट्रिक्ट में, ब्रिज क्रॉस करके कराकुरम हाईवे भी जो है ना वो अब लेफ्ट साइड पे, दरिया के लेफ्ट साइड पे आ चुकी हुई है, और हंजा हो गया ख़त्म, नगर हो गया स्टार्ट। अब आगे आएगा नगर कौन सा एरिया, राकापोशी व्यू पॉइंट आएगा, इधर से ऊपर एक रोड जाता है, अगर आपने सुना हो मीनापिन विलेज का, वो भी बहुत खूबसूरत विलेज है, तो यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है मीनापिन विलेज का। We'll be right back.
यहाँ पे गाड़ी चलाने का जो कराकोरम हाईवे पे जो मज़ा है ना इस एरिया में, स्पेशली इस एरिया में और ऊपर पस्सू से आगे सोस्त वाले एरिया में, वो कहीं भी नहीं आता है। यहाँ पे स्पेशली ये चीज़ है कि रोड बहुत स्मूथ है, थोड़े से टर्न है इसमें बट रोड अच्छा स्मूथ है और कलर्स बहुत आते हैं यहाँ पे, ट्रीज बहुत हैं। अगर आप इवन के समर में भी आएंगे ना तो इनमें जो है ना फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, कलरफुल होता है ये एरिया। और अभी भी इवन के आप देख रहे हैं तो बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं यहाँ पे ना ब्लॉसम के। जी यहाँ पे जो जुलूस, आपने एक चीज़ नोट की कि कोई ट्रैफिक बंद नहीं था, कोई कुछ नहीं था हमारे यहाँ कराची में। जब इस तरह का कोई जुलूस भले वो किसी भी जमात का हो, किसी भी फिरके का हो, रोड़े बंद, कंटेनर लगे होते हैं, एक कंटेनर भी नहीं डबल डबल कंटेनर एक के ऊपर दूसरा कंटेनर लगा हुआ होता है। और यहाँ पे ट्रैफिक भी चार चार पांच पांच गाड़ियाँ इधर उधर से क्रॉस करवा रहे थे वो लोग। मैं तो पहले खड़ा हो गया था, मैंने कहा शायद जो है ना वो क्रॉस नहीं करवा रहे तो मैं फ्यूल डलवा लूँ तब तक, बट वो बाद में मुझे पता चला कि गाड़ियाँ क्रॉस हो रही हैं। जब चार या पाँच गाड़ियाँ एक साइड पर इकट्ठी हो जाती थी तो वो फिर क्रॉस करवा देते थे उसको। तो ऐसा हर जगह पर क्यों नहीं होता ये आज तक समझ नहीं लगी है हमें। चलो जी ये आ गया नलतर एक्सप्रेस, हमने जाना है इस रोड से। वैसे तो गिरगित एंटर होने का दूसरा रास्ता है मेन फ्रंट साइड से, लेकिन ये बैक सिटी की बैक साइड से जाना वो रास्ता जाता है, क्योंकि मैंने जिस मार्केट में जाना है ना वो यहाँ से करीब पड़ती है। ये वो वाला रास्ता जो नॉर्मली टूरिस्ट वगैरह आते हैं ना तो वो ये रास्ता नहीं लेते ना। ज़रा गिलगित को आपको दिखाते हैं अंदर की गलियाँ कैसी हैं उसकी, मुझे भी सही से नहीं पता है, मैं भी एक दो दफ़ा ही आया हूँ बस। तो जाएंगे तो जो है ना वो पता लग जाएगा। ये इधर से हमने जाना है जी लेफ्ट पे गिलगित साइड की तरफ, और अगर इसी रोड से जो है ना वो आप राइट पे चले जाएंगे तो आपने नलतर वैली का सुना होगा, तो वो नलतर चले जाएगी। इवन के इस रोड का नाम भी नलतर एक्सप्रेस ही है। तो अच्छा रोड है ये, अगर आप वो पुराने रोड से नलतर जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा वो ख़राब है और बहुत टाइम लगेगा, ये वाला रोड ज़्यादा सही है। ये आ गया जी गिरगित सिटी और सामने आपको नज़र आ रहा है, अभी तो खैर धूप पड़ रही है, इधर तो बहुत धूप है भाई, इधर तो मुझे गर्मी लगने लग गई है। मुंजा में इतनी पूरे हफ्ते में मिलाकर गर्मी नहीं लगी थी जितनी अभी रास्ते में लग गई है मुझे। ये एंटर हो गया हम गिलगित सिटी में।
यार गिलगित की सबसे एक बुरी चीज़ जो है ना वो पता क्या है, स्पीड ब्रेकर बहुत है यहाँ। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट गिलगित स्टार्ट होता है स्पीड ब्रेकर भी स्टार्ट हो जाते हैं। सर ये इब्राहिम इलेक्ट्रॉनिक किधर पड़ेगा? इब्राहिम इलेक्ट्रॉनिक चलें जी। फाइनली मैंने गिलगित से ऑलमोस्ट चीज़ें परचेज़ कर ली हैं और वापसी के लिए निकला हूँ हुंजा के लिए अभी कोई 10 मिनट पहले। ये अभी नॉर्मल गांव जो आता है जहाँ से नलतर का रास्ता जाता है वहाँ पे पहुँचा हूँ और 2 घंटे लगेंगे तकरीबन। रात का टाइम है, 9:30 हो गए हूँ मैं। इंशाल्लाह 11 बजे तक पहुँचूँगा हुंजा। तो पौधे भी ले लिए और सारा कुछ सामान, बिजली का, लाइटें शाइटें, पार्किंग के लैंप्स, इस तरह की सारी चीज़ें ले ली हुई हैं और बस अभी रवा दवा हूँ। अब ज़्यादा मैं आपको दिखा तो नहीं सकूँगा कि रास्ते का आप आते हुए रोशनी में आपने देख ही ली होंगी चीज़ें। अब इंशाल्लाह हुंजा पहुँचूँगा तो आपको मिलूँगा कल, और कल तक कल जो चीज़ें लेकर आए हैं उनकी इंस्टॉलेशन करेंगे तो वो आपको दिखाएंगे। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है nomad.zahid। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।